हिमाचल प्रदेश की सबसे हॉट सीट हमीरपुर के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर के दुर्गम क्षेत्रों में कई बूथों पर मशीनें खराब होने के आरोप लगाए हैं। ठाकुर रामलाल ने कहा कि कई मतदान केंद्रों पर देरी से मतदान शुरू हुआ और इस दौरान हमीरपुर के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने परिवार सहित अपने पैतृक गाँव ग्याल में वोट डाला। हिमाचल प्रदेश के सबसे हॉट सीट हमीरपुर के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर के दुर्गम क्षेत्रों में कई बूथों पर मशीनें खराब होने के आरोप लगाए हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि कई मतदान केंद्रों पर देरी से मतदान हो रहा है। हमीरपुर के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने परिवार सहित अपने पैतृक गाँव ग्याल में वोट डाला। उन्होंने कहा कि अगर देरी से मतदान शुरू होगा तो चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार सही ढंग से संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है उसे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो फार फ्लंग एरिया में है, मशीनें जो है खराब है। डीसी ऑफिस में बोलो तो हम ठीक कर रहे हैं, दोबारा मशीन आती है तो फिर वो भी खराब है। जैसे मारकंडा की पोलिंग स्टेशन है, हमारे बुरोटा ढोड़ा है, वहाँ पे जो है ना अब एक एक पोलिंग स्टेशन पे अभी तक अगर तीन तीन वोटें चार चार पड़ी है तो आप ये लगा लें कि भाई ये इंतजाम कैसे हैं। यहाँ पे भी घाड़ में मशीन पहले ख़राब थी, बाग का पोलिंग स्टेशन है उसमें भी मशीन ख़राब, कोई बोलने वाला है नहीं जो है ना। अभी SP साहब आए थे, हमने उनको बताया, उन्होंने कहा मेरा काम नहीं है, DC का काम है। DC को भी बताया, अब कहीं पर अगर मान लो ऐसे ऐसे है 11 बजे तक या 10 बजे के बाद अगर मान लो मशीनें खराब हैं, वोटिंग नहीं पड़ रही है तो कैसे लोग वोट डालेंगे। जो आए हैं वो वापस चले गए हैं। ये मैं कहूँगा ये जो है ना इंतजाम की कमी है इसमें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।